हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का जनरल फार्मूला है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर इट, यानी कि इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, सो उसका सिंबल फार्मूला बनेगा पावर का सिंबल पी, वर्क का सिंबल डब्ल्यू और टाइम का सिंबल टी। अब वर्क का यूनिट, अब हम यूनिट डिराइव करेंगे। वर्क का यूनिट होता है जूल, टाइम का होता है सेकंड, यानी कि अल्टीमेटली पावर का यूनिट हो गया जूल पर सेकंड, उसे वॉट भी कहा जाता है। ओके, सो वॉट का सिंबल डब्ल्यू इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। ओके, सो 1 वॉट की डेफिनेशन क्या होगी 1 वॉट की, क्योंकि जो डिवाइस 1 जूल वर्क 1 सेकंड में करती है तो उस डिवाइस का पावर हो गया है 1 वॉट। ये तो स्मॉल यूनिट हो गया। ओके, हायर यूनिट क्या होगा, किलोवाट। किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। उसके बाद अब हम डिफरेंट डिफरेंट पावर के फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सो सबसे पहले तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस का ये बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय चार्ज, यानी कि डब्ल्यू बाय क्यू। इट इज़ अ इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, सो उसको रीअरेंज करेंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय क्यू। सो हमें करंट का फार्मूला ऑलरेडी याद है। करंट का फार्मूला आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। सो क्यू इज इक्वल टू आई टी हो गया। यही आई टी की वैल्यू यहाँ पे क्यू की जगह मैंने रख दी। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी। तो ये डब्ल्यू की जो वैल्यू मुझे मिली वी आई टी, वो मैं रखता हूँ ये W के अंदर। ओके, याद रखिएगा। सो यहाँ पे मैंने W इज इक्वल टू वी आई टी की जो वैल्यू है वो पावर के फॉर्मूला में रख दी है। वी आई टी डिवाइड बाई टी, ये टी और ये टी कैंसिल। सो पावर का नया फॉर्मूला हमें मिल गया P इज इक्वल टू वी इंटू आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। ये मिल चुका है। अगर अब यही फार्मूला में हम थोड़ा चेंज करके 2 नए फार्मूला बना रहे हैं, तो पहला तो एस पर ओम्स लॉ, वी बाय आई इज इक्वल टू आर। सो वी को अगर मेन बनाऊँ तो वी इज इक्वल टू आई आर। सो ये जो वी की वैल्यू है आई आर वाली, यहाँ पे रख दो। आई आर रखा, ये तो आई है, आई आई मल्टीप्लाई हो गए आई स्क्वेयर आर, तो ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला हमारा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेम फॉर्मूला जो ओम्स का लॉ का है उसमें मैं आई को मेन बनाता हूँ। सो आई इज इक्वल टू वी बाय आर, आई की वैल्यू मैं रखता हूँ इस फॉर्मूला के अंदर। सो मेरा बन चुका है V इंटू वी बाई आर, यानी कि वी स्क्वेयर बाय आर। सो ऐसे हमें पावर के 3 फॉर्मूला मिल चुके हैं। एक P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर और P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर। ओके, थैंक यू।